दोस्तों टीवी का बेहद पॉपुलर सीरियल ही रिश्ता क्या कहलाता है टीवी पर कई सालों से प्रसारित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इतने सालों से प्रसारित किए जाने के बाद भी आज भी दर्शक इस शो को बेहद पसंद करते हैं। इस टीवी शो के बदौलत ही आज टीवी के कई स्टार को उनकी रियल पहचान मिली है, जिनमें से एक बड़ा नाम आता है टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान का, जिन्होंने इस टीवी शो के बदौलत ही खूब लोकप्रियता हासिल की है। लेकिन हिना खान के अलावा टीवी की एक और एक्ट्रेस है जिन्होंने उनके अभिनय से लोगों को अपना दीवाना बनाकर इस शो में खूब लोकप्रियता हासिल की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री शिवांगी जोशी की, जिन्होंने नायरा का किरदार निभाकर दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवांगी जोशी से पहले नायरा का किरदार टीवी की 5 पॉपुलर एक्ट्रेस को ऑफर हुआ था, लेकिन किसी न किसी कारणवश इन अभिनेत्रियों ने इस किरदार को करने से मना कर दिया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये अभिनेत्रियां कौन हैं। फर्स्ट नंबर पे है सनाया ईरानी। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सनाया ईरानी को भी नायरा बनने का सुनहरा मौका मिला था, लेकिन सनाया इस किरदार को नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने इस किरदार को करने से साफ साफ मना कर दिया था। सेकंड नंबर पे है टीना दत्ता। टीवी की मासूम एक्ट्रेस टीना दत्ता को भी नायरा बनने का ऑफर मिला था, लेकिन अपनी निजी लाइफ में बिजी होने के चलते उन्होंने इस किरदार को करने से बिल्कुल मना कर दिया था। थर्ड नंबर पे है इशिता दत्ता। इशिता दत्ता को भी नायरा बनने का सुनहरा मौका मिला था, लेकिन ना जाने क्यों इशिता ने इस किरदार को ठुकरा दिया था। फोर्थ नंबर पे है दिगंगना सूर्यवंशी। टीवी की हॉट एक्ट्रेस दिगंगना सूर्यवंशी को भी नायरा का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन दिगंगना टीवी की दुनिया से दूर रहना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया था। फिफ्थ नंबर पे है रूपल त्यागी। टीवी की क्यूट एक्ट्रेस रूपल त्यागी को भी नायरा का किरदार अप्रोच किया गया था और उन्होंने इस किरदार के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन वेट ज्यादा होने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन अभिनेत्रियों ने नायरा के किरदार को ठुकरा के सही किया या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।